आप लोग देख के समझ गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल ग्रीन चिकन, जिसे हम हैदराबादी भी चिकन बोलते हैं और हरियाली चिकन भी बोलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम फ्रेंड बनाना स्टार्ट करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल। ये मैंने 500 ग्राम चिकन लिए, इसे मैंने 3 से 4 पानी में वॉश कर लिया है, धो लिया है अच्छे से, और इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के इसे मैं साइड में रख दूंगी जब तक हम और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे। यहाँ पर मैंने बड़ा वाला मिक्सी का जार लिया है और मैंने ढेर सारा यहाँ पर हरा धनिया लिया, क्योंकि हम ग्रीन चिकन बनाएंगे तो इसलिए हम धनिया का यूज़ ज़्यादा करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसमें पालक का यूज़ कर सकते हैं, मैं पालक नहीं डाल रही हूँ। मैंने 5 से 6 यहाँ पर मिर्ची डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, और यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज है, 2 प्याज है, और बारीक कटा हुआ अदरक है, और थोड़ा सा लहसुन है। इसे हम इसी में डाल के बारीक पेस्ट बना लेंगे इसे, और 1 कप पानी डालेंगे। और 1 कप पानी डालने के बाद हम इसे पेस्ट बनाना है बिल्कुल बारीक। अब बारीक पेस्ट बनने के बाद में देखिए पेस्ट हमारा बनके रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं थोड़े खड़े मसाले का यूज करूंगी, तेज पत्ता है, जीरा है 1 टेबल स्पून, इलायची है 4 से 5, 2 मैंने दालचीनी ली है, और थोड़ा सा लौंग लिया हुआ है। अगर आपके पास में बड़ी इलायची है तो आप लोग बड़ी वाली इलायची ले सकते हैं। 1 कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पर ऑयल डाला हुआ है, रिफाइंड ऑयल है, आप लोग कौन सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और तेल गर्म होने के बाद में हम सबसे पहले जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छे से गर्म होने के बाद में जितने भी मसाले हम एक एक करके सब डालते जाएंगे। और खड़े मसाले पकने के बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे 4 से 5, और कड़ी पत्ता पकने के बाद में हम यहाँ पर जो हमने पेस्ट पीस के रखा था वो डाल देंगे, और हम इसे अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से भुनेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। पेस्ट जब पक जाता है तो तेल वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है, इसका मतलब तो हमारा पेस्ट पक के रेडी हो जाता है। इसे हम अच्छे से भुनेंगे, और यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने स्लो करके रखा हुआ है, और 5 मिनट होने के बाद में देखिए थोड़ा थोड़ा पेस्ट हमारा पक गया है। अब इसे हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ने यहाँ पर नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और 1 से 2 मिनट के बाद में इसे पकाएंगे हम ऐसे ही। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर चिकन का मसाला यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून है। इसे भी अच्छे से पका लें, मिक्स करेंगे, और 10 मिनट होने के बाद में देखिए मसाला हमारा अच्छे से, पेस्ट हमारा अच्छे से पक चुका है, मसाला भी पक चुका है। जो हमने धो के चिकन रखा हुआ था वो चिकन डाल देंगे, और इसे अच्छे से भुनेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखना है, यहाँ पर पानी अभी नहीं डालना है, हमें इसे ऐसे ही पकाना है। और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे, पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हम पानी बाद में डालेंगे। अब 5 से 6 मिनट होने के बाद में देखिए चिकन हमारा आधा पक चुका है कितने अच्छे से, और सारी साइड का तेल भी निकल चुका है। यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा ग्रेवी खाना चाहते हैं तो आप लोग 1 कप पानी और ऐड कर सकते हैं। और 5 मिनट के लिए इसे हम और पकाएंगे। 5 मिनट के बाद में देखिए ग्रेवी हमारी कितनी ज़्यादा ठीक हो चुकी है, और यहाँ पर चिकन हमारा बिल्कुल पक के रेडी हो गया है। आप लोग को जितनी ग्रेवी रखना है आप लोग अपने हिसाब से ग्रेवी रख लीजिए। यहाँ पर मैंने चिकन का मसाला लिया है 1/2 टेबल स्पून, इसे ऊपर से ऐसे डाल देंगे, इससे और ज़्यादा फ्लेवर आता है, और ज़्यादा टेस्ट आता है चिकन में। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसमें तो हरा धनिया दिख नहीं रहा है, फिर भी हम टेस्ट के लिए 1/2 टीस्पून हरा धनिया डालेंगे। और 1 चीज हम यहाँ पर सीक्रेट चीज़ और डालेंगे, यहाँ पर हम ऊपर से बटर डालेंगे बारीक कटा हुआ। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे जब तक हम इसे चिकन को पराठा के साथ खाएंगे, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को स्लो रखा है, पराठा बना के 1 डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 3 कोने का पराठा बनाया, आप लोग को जो शेप अच्छे लगे आप लोग वो पराठा बना के रेडी कर सकते हैं। दोनों साइड से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और इसे जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं बिल्कुल हमें वैसे ही इसे सेक लेना है दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक के। अगर आप लोग चाहें तो पराठे के साथ में खाइए, अगर आप लोग को पराठा नहीं पसंद तो आप लोग रोटी के साथ में, तंदूरी के साथ में, नान के साथ में, किसी की चीज़ भी ये खा सकते हैं। ग्रीन चिकन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हम यहाँ पर 2 से 3 पराठे बना कर रेडी कर लेंगे। अरे पराठा भी हमने अच्छे से सेक लिया है दोनों साइड से ऑयल लगा के, ये पराठा बन के रेडी हो चुका है। हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
यहाँ पर हमारा पराठा भी बनकर रेडी हो गया, ग्रीन चिकन भी बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। यकीन मानो फ्रेंड, ये ग्रीन चिकन खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है ना कि आप लोग और चिकन बनाना भूल जाएंगे। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर बनाइए। और आप लोगों के यहाँ ग्रीन चिकन कैसे बनता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को कुछ भी कमी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अपने वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। हम यहाँ पर कटे हुए सलाद रख देंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, और एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।